चाणक्य नीति की यह 10 बातें आपको सफल बना देगी। 1. क्रोध पर संयम रखे। 2. क्रोध करना जीवन को नकारात्मक बनाता है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, अभी जो आपने वीडियो देखी है वो टोटली AI जनरेटेड वीडियो है, और उस वीडियो के अंदर में जो भी इमेज या जो भी वॉइस यूज हुआ है वो सब AI से जनरेट किया हुआ है। और इस तरह की वीडियो दोस्तों आजकल YouTube और Instagram पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। अगर दोस्तों आपको इस तरह की वीडियो बनानी है तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखनी पड़ेगी। दोस्तों, इस टॉपिक पे काफ़ी सारे लोगों ने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, लेकिन जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ उसकी मदद से आप यहाँ पे अनलिमिटेड वीडियो बना सकते हो फ्री में, और वो भी अपने मोबाइल से। बस आपको दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना है। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस तरह की वीडियो को बहुत जल्द बना के और अपने यहाँ पे इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो, और अच्छे खासे यहाँ पे सब्सक्राइबर फॉलोवर गेन कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे कंटेंट की जरूरत होगी, और कंटेंट दोस्तों आप यूट्यूब से भी ले सकते हो, इंस्टाग्राम से भी ले सकते हो, आप यहाँ पे गूगल से भी ले सकते हो। तो जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, जिस तरीके से मैं यहाँ पे वीडियो आपको बना कर दिखाने वाला हूँ, अगर आप इस तरीके से वीडियो बनाओगे तो आप मुश्किल से 5 मिनट के अंदर में आप एक वीडियो रेडी कर सकते हो यहाँ पे। तो मैंने दोस्तों यहाँ पे अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर दिया है, और मैं अपने कंटेंट को ढूंढने के लिए दोस्तों गूगल का यूज़ कर रहा हूँ। आप जिस भी टॉपिक पे यहाँ पे वीडियो बनाना चाहते हो, कॉमेडी से रिलेटेड अगर बनाना चाहते हो, मोटिवेशनल बनाना चाहते हो, जिस भी रिलेटेड आप बनाना चाहते हो, आपको यहाँ पे गूगल पे सर्च करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे गूगल पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ मोटिवेशनल कोट्स इन हिंदी। मैं यहाँ पे मोटिवेशनल टाइप का वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे टाइप किया है मोटिवेशनल कोट्स इन हिंदी। यहाँ पे आपको कई सारे वेबसाइट देखने को मिल जाएगा, आप जिस भी वेबसाइट पे क्लिक करके वहाँ से कॉपी करना चाहते हो बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हो। जैसे ये मेरे सामने एक वेबसाइट है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मुझे जो भी पसंद आता है उसको मैं कॉपी कर लूँगा। तो चलिए मैं ढूँढ लेता हूँ जो भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे दोस्तों मुझे कंटेंट मिल चुका है, बहुत अच्छी लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो लेकिन उनका लगातार बरसना कई नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो दोस्तों आपको इस तरीके से कंटेंट को ढूंढना है, आपको जो भी कंटेंट यहाँ पे पसंद आता है उसको कॉपी कर लेना है। तो चलिए मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद दोस्तों अब आपको करना है बैक आ जाना है, और फिर से यहाँ पे गूगल पे टाइप करना है 11 Labs। यहाँ पे दोस्तों टाइप करना है, आपके सामने ये वाला वेबसाइट आ जाएगा 11 Labs, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे दोस्तों जो मैंने वर्ड को कॉपी किया है उसको यहाँ से वॉइस में कन्वर्ट करूँगा। तो यहाँ पे दोस्तों वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे 333 वर्ड है, आप 333 वर्ड तक का जो यहाँ पे वर्ड है उसको आप वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से जो कॉपी किया था मैं उसको इस तरीके से यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आपको इस तरीके से जो आपने कॉपी किया है उसको यहाँ से पेस्ट कर देना है। अगर आपको यहाँ पे लगता है कि कुछ गलती है तो उसको आप यहाँ पे ठीक कर सकते हो। जैसे दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों होना चाहिए था ला सकता है, तो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ला सकते को मैं ला सकता कर देता हूँ। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे ला सकता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मेरा जो वर्ड है वो टोटली यहाँ पे सही हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको इस वाले पे क्लिक करना है, और ये ऑटोमेटिक जो आपका वर्ड है उसको वॉइस में कन्वर्ट कर देगा। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तो यहाँ से दोस्तों ये वॉइस यहाँ पे बन चुका है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको एक डाउनलोड का एरो दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है, और ये आपका यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। पहला काम तो आपको ये करना है, जो आपका वर्ड है उसको आपको वॉइस में कन्वर्ट करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से फिर से बैक आना है, और यहाँ पे आपको टाइप करना है लेक्सिका। चलिए मैं ऐसे लेक्सिका टाइप करता हूँ। लेक्सिका जैसे टाइप करोगे आपके सामने ये वाला वेबसाइट आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम जो वीडियो बना रहे हैं उस वीडियो के लिए दोस्तों यहाँ से हम करेक्टर को निकालने वाले हैं। आप चाहो तो यहाँ पे आप अपनी खुद की फ़ोटो भी लगा सकते हो, और यहाँ पे दोस्तों मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ उस तरीके से ये वीडियो बन जाएगा। तो मैं अपने वीडियो में एक करेक्टर का यूज़ करने वाला हूँ, तो उस करेक्टर को पहले इस वाले वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों सर्च बार में आना है, और यहाँ पे टाइप करना है ओल्ड मैन। ओल्ड मैन टाइप करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको एक सर्च का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप सर्च पे क्लिक करोगे आपके सामने देखो कई सारे इमेज आ जाएगा, आपको यहाँ से जो भी इमेज पसंद आती है उसको आप डाउनलोड यहाँ पे कर सकते हो। तो चलिए मैं एक इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ, कौन सा करूँ, ये वाली इमेज सही लग रही है।
इसको दोस्तों डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको एक डाउनलोड का एरो है, इस पर आपको क्लिक करना है, ये आपको डाउनलोड हो जाएगा। नहीं तो अगर आप इस पर प्रेस करके रखोगे फिर भी आपको यहाँ पे डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आएगा। इन दो तरीके से आप यहाँ से इमेज को डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से दोस्तों मैंने करेक्टर को ले लिया है, अब आपको करना क्या है, बैक आ जाना है, और बैक आने के बाद फिर से टाइप करना है DIDAI। जैसे टाइप करोगे आपके सामने ये वाला वेबसाइट आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे में जैसे आओगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट फ्री AI वीडियोस, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करोगे दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा गेस्ट का, यहाँ पे गेस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे एक एरो बना हुआ है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है लॉगिन का, यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन पे यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आप जिस भी तरीके से यहाँ पे लॉगिन करना चाहते हो, गूगल से करना चाहते हो या जैसे भी करना चाहते हो वैसे आप कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने लॉगिन कर लिया है और यहाँ पे देख सकते हो पहले भी मैंने 3 वीडियो बना रखा है इस वेबसाइट की मदद से। अब दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऊपर में क्रिएट वीडियो, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड का, यहाँ पे नीचे इस पर क्लिक करना है, और जो आपने यहाँ से इमेज को डाउनलोड किया था उस इमेज को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आप चाहो तो यहाँ पे खुद की इमेज को भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और डन कर देता हूँ। जैसे दोस्तों डन पे क्लिक करोगे ये वाली इमेज यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों उसके बाद आपको करना है क्या है, जो आपने ऑडियो को डाउनलोड किया था उस ऑडियो को यहाँ पे इम्पोर्ट करना है। तो इस पर क्लिक करना है और आपने जो ऑडियो को डाउनलोड किया था उस ऑडियो को यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो चलिए मैं उस ऑडियो को यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो दोस्तों मैंने ऑडियो को इंपोर्ट किया वो ऑडियो आ गया, मैं आपको सुना देता हूँ। बारिश की बूंदें। तो यहाँ पे दोस्तों ऑडियो आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऊपर में यहाँ पे जनरेट वीडियो, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे देख लो जनरेट का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों देख लो क्रेडिट 20 लिखा हुआ है, मतलब एक बार जब आप यहाँ पे लॉग इन करोगे एक ईमेल आईडी से तो आप एक बार में 20 वीडियो यहाँ पे बना सकते हो। उसके बाद आपको दूसरी जीमेल से यहाँ पे लॉग इन करनी पड़ेगी। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है जनरेट का, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे जो वीडियो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ऑटोमेटिक ये वेबसाइट हमें यहाँ पे वीडियो बना के दे देगी। तो दोस्तों जो हमारी वीडियो है वो यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तो यहाँ से दोस्तों जो हमारी वीडियो है वो रेडी हो चुका है। अब इसको दोस्तों डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड का, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करोगे ये यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अब इस वीडियो को हमें यहाँ पे एडिट करना है। तो एडिट करने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे काइनमास्टर का यूज़ करने वाला हूँ। आपको जो भी एप्लीकेशन सही लगता है आप वहाँ से एडिट कर सकते हो। तो मैंने ऐसे अपने काइनमास्टर को ओपन कर लिया है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट न्यू, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे दोस्तों 9:16 का जो रेशो है इस पर क्लिक करना है। और यहाँ नीचे का ऑप्शन मिलेगा क्रिएट, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर दोस्तों जैसे क्लिक करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आपको दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, जो वीडियो आपने यहाँ से डाउनलोड किया है उस वीडियो को यहाँ से लेके आना है। तो ये वाली वीडियो है इसको मैं यहाँ से इस तरीके से इसको लेके आ जाता हूँ। तो दोस्तों जो हमारी वीडियो है वो यहाँ पे टाइमलाइन में आ चुकी है। अब दोस्तों आपको करना है क्या है, यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पैन एंड जूम, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने का दोस्तों ये जो वीडियो है उसको इस तरीके से जूम करना है और इस फ्रेम के अंदर इसको सेट कर देना है ताकि दिखने में अच्छा लगे। तो इस तरीके से इसको जूम करके और इस तरीके से इसको सेट कर देना है। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके इसको इक्वल कर देना है। इतना करने का दोस्तों अब मैं इस वीडियो के अंदर में टेक्स्ट इफेक्ट लगाने वाला हूँ ताकि जो वीडियो है वो दिखने में अच्छा लगे। जो चीज़ दोस्तों इस वीडियो के अंदर में बोला जा रहा है वो चीज़ आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगी। तो चलिए मैं यहाँ से वीडियो को ओपन करके देखता हूँ। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो। तो यहाँ पे दोस्तों जो पहली लाइन है वो है बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो। तो यहाँ पे आपको करना है क्या है, लेयर वाले पे जाना है और यहाँ पे जाना है टेक्स्ट पे। टेक्स्ट पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने टाइप कर दिया है बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से आपको लेके आना है। तो मैं एक बार सुन भी लेता हूँ कि क्या चीज़ है इसके अंदर, बारिश की बूंदें भले ही छोटी। अब दोस्तों आपको यहाँ पे करना क्या है, फॉन्ट को चेंज करना है। तो फॉन्ट को चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे फॉन्ट पे जाना है और यहाँ से आप जो भी फॉन्ट को यूज़ करना चाहते हो वो फॉन्ट आप यूज़ कर सकते हो। मैं फिलहाल इस वाले फॉन्ट का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ।
तो यहाँ से दोस्तों मैंने फॉन्ट को चेंज कर दिया है। अब नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा कलर का, तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप कलर को चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे आना कलर पे, और आप जो भी कलर आपको पसंद आता है वो कलर आप यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं फ़िलहाल इस वाले कलर पे क्लिक करता हूँ और मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो भाई यहाँ पे कलर अप्लाई हो चुका है, और नीचे फिर आना है बैकग्राउंड कलर पे और इसको इनेबल कर देना है। और यहाँ से दोस्तों मैं ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब दोस्तों इसको इस तरीके से फ्रेम में एडजस्ट करना है, तो चलो मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ इस तरीके से। और इसमें मैं अब थोड़ा सा एनिमेशन लगा देता हूँ ताकि दिखने में ये अच्छा लगे। तो इन एनिमेशन पे आना है और यहाँ पे मैं इस वाले एनिमेशन को लगा देता हूँ। अब दोस्तों मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, तो जैसे दोस्तों यहाँ पे ख़त्म हो रहा है बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, तो यहाँ पे क्लिक करना है और इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्प्लिट और ट्रिम का, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे दोस्तों आपको स्प्लिट पे क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, जितनी भी लंबी आपकी वीडियो है उसको इस तरीके से इसको साइज को बढ़ा लेना है। अब आगे दोस्तों क्या है वो चीज़ सुन लेते हैं। लेकिन उनका लगातार बरसना, तो इस पर फिर से क्लिक करना है और यहाँ पे जाना है एडिट पे और इसको यहाँ से हटा देना है। अब ये दोस्तों यहाँ पे लिखना है लेकिन उनका लगातार बरसना, तो आपको इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे टाइप कर देना है। अब मैं दोस्तों आपको प्ले करके दिखाता हूँ। बारिश की बूंदें भले ही छोटी, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का। तो आपको दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पे टेक्स्ट को लगाना है और आपका यहाँ से वीडियो है वो रेडी हो जाएगा। अब दोस्तों आपको इसको डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से आप जिस भी रेजुलेशन में डाउनलोड करना चाहते हो उसमें आप कर सकते हो, और ये आपके गैलरी में यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप AI वीडियो बना सकते हो बहुत ही आसानी से। और दोस्तों जो मैंने आपको तरीका बताया है उस तरीके से आप यहाँ पे मुश्किल से 5 मिनट के अंदर में जो आपकी वीडियो है वो रेडी हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।